नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की तर्रार खबरें। मैं हूं ज्योति राघव और पेश है इस वक्त की बड़ी खबरें। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन करेगी लागू। राहुल गांधी के खिलाफ की गई बयानबाजी के विरोध में बुधवार को राजस्थान युवा कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व संगरिया विधायक और राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसार चंद्र रोड पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह और बिट्टू शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ पुतला फूका। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का 18वां दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बुधवार को जयपुर में भाजपा कार्यकाल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस आयोजन में उपस्थित होकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। देखिए, अभी 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था और उससे लेकर के और 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस, इस दरमियान हमने ये पूरे देश में तय किया कि सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारे कार्यकर्ता इसको मनाएंगे। हम केवल दिखावे के लिए नहीं करते, वास्तव में हमारे मन की भावना है, हमारे कार्यकर्ताओं के मन में इस प्रकार का भाव है कि हम सेवा करें, सेवक बन करके हम सब काम कर रहे हैं। राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य में घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन जातियों के परिवारों के लिए निःशुल्क भूखंड आवंटित करेंगे। इसके साथ इन परिवारों को पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया को शीघ्र लागू कराने के लिए निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाओं OP बुनकर की उपस्थिति में आयोजित बैठक में उक्त निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण अनुसार रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स को लंबी भीड़ से निजात दिलाने और डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए अब रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटरों पर भी ऑनलाइन डिजिटल भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। पूर्व में यह सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक करने पर ही मिलती थी। डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा कंप्लीट ऑनलाइन मेथड से जो है पेमेंट का काम किया जा रहा है, जिसमें कि हमने जो हमारे स्टेशन के जो काउंटर्स हैं वहां पे हमने डायनेमिक QR कोड को कमीशन किया है, जिसके माध्यम से कोई भी रेलयात्री अपने टिकट के लिए आरक्षित या अनारक्षित टिकट जो है वो QR कोड के माध्यम से ले सकते हैं और वहाँ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमने 200 से भी ज़्यादा लोकेशन पर जो है ATM मशीन लगाई है, ताकि कोई भी यात्री अपना जनरल टिकट जो है वो भी ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा का दल चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए रवाना हो गया है। बुधवार को भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर महेंद्र कुमावत ने प्रदेश कार्यकाल से महिला मोर्चा की पदाधिकारियों की बस हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला मोर्चा की यह टीम हरियाणा भाजपा की महिला कर्मचारियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करेगी और प्रदेश में पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने के प्रयास करेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित कर्मचारियों की वेतन विसंगति परीक्षण समिति की शेष सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर राज्य कर्मचारी 20 सितंबर 2024 को सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिवस मनाते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री से वेतन में विसंगति परीक्षण समिति की शेष सिफारिशों के शीघ्र सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। यह जानकारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने
बयान में दी है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक गाना पूरी तरह फिट बैठता है, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया बंदा सीधा साधा। पूनिया ने कांग्रेस के 7 गारंटी और 15 वादों को झूठा बताते हुए कहा कि कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह होती है जो जल्द ही टूट जाती है। पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जनता से किए गए वादों को तोड़ने में माहिर है। कांग्रेस पार्टी ने आज हरियाणा के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जिसको उन्होंने गारंटी का नाम दिया है। पहली बात तो ये हरियाणा की धरती से इतर दिल्ली में किया है। दूसरा कहा यह गया है कि कांग्रेस ने 7 गारंटी दी और 15 वायदे किए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह है जो जल्दी टूटती है, और वायदा ये तोड़ने में तो कांग्रेस का महारत ही है। जो पुराना गाना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा साधा, हरियाणा की और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, धोखा देने के लिए, छलावा करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को महारत हासिल है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।